हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजल्ट गुरु 2.0। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी 2023 का आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है। 10 जनवरी से आपके पेपर हो जाएंगे स्टार्ट। तो अब गाइस, आपको हम बताते हैं कहाँ पर सेंटर है, कितने सेंटर होंगे और वहाँ पर आपका कब एग्जाम होगा। आज आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी हमारे इस सेशन में। तो गाइस, शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब योर चैनल रिजल्ट गुरु 2.0। तो भाई, वैसे तो बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता है, यदि मैं एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बात करती हूँ, तो यहाँ पर हम खुद को हाइड कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को फिर एग्ज़ाम सेंटर दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यदि हम बेटा बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, यदि हम रीजन के बारे में बात करते हैं, तो ये सीआर रीजन के हैं। सीआर रीजन में बोले तो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपके जो सेंटर हैं वो हैं आपके भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी। यहाँ पर आपकी क्या है बेटा, एसएससी जीडी के लिए सेंटर है, जहाँ पर आप लोगों को सेंटर कोड भी आप लोगों को गिवन है। देन आफ्टर दैट, यदि बेटा हम बात करते हैं आपसे ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन बोले तो अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, इनके लिए जो आप लोगों के बेटा क्या है, यहाँ पर सेंटर है, वो है आपके पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, बहरमपुर, भुवनेश्वर, कटक, धेनकैनल, रुड़केला, संभलपुर, गंगटोक, हुगली, कोलकाता, सिलीगुड़ी। ये आपके क्या है बेटा, ईस्टर्न रीजन के आपके एग्जाम सेंटर है एसएससी जीडी के लिए। और देन आफ्टर दैट बेटा, हम बात करते हैं कर्नाटका केरला रीजन के बारे में। आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे इन सभी रीजन में। KKR मतलब कर्नाटका केरल रीजन, जहां पर लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरल, इन तीनों स्टेट के बारे में बातचीत करेंगे। यदि हम बेटा बात करते हैं, आपके सेंटर हैं आपके कावरती, बेलागावी, बेंगलुरु, हुबली, कालाबुरागी, देन उसके बाद बेटा आपका मेंगलुरु, मैसूर, शिवमोगा, उदुपी, एर्नाकुलम, कन्नौर, कोल्लम, कोत्तयम, खोजिकोडे, त्रिशूर एंड तिरुवनंतपुरम। ये क्या है बेटा, आपके कर्नाटका और केरल के एग्जाम सेंटर हैं। देन उसके बाद बेटा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश बोले तो सब रीजन एमपी या छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर आपका है बेटा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सागर, सतना, जबलपुर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये आपके क्या है बेटा एग्जाम सेंटर है। नॉर्थन ईस्टर्न रीजन NER के बारे में बात करते हैं बेटा हम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सब आपका इसके अंदर आने वाले हैं। तो जहां पर आपका बेटा ईटानगर, दिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, छुरचंदपुर, सिलचर, इम्फाल, उखरुल, शिलोंग, कोहिमा, दिमापुर, इजवाइल एंड अगरतला, ये क्या है बेटा आपके एग्जाम सेंटर है। इन सब स्टेट में आपके यहाँ यहाँ एग्जाम सेंटर है। देन नॉर्थन रीजन, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, NR रीजन के बारे में। तो यहाँ पर आपके जो एग्जाम सेंटर है वो है आपके देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, सीकर, कोटा, उदयपुर। यहाँ पर आपके क्या है बेटा नॉर्थन रीजन के एग्जाम सेंटर होंगे। क्लियर है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन के बारे में, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, तो यहाँ पर जो आपके सेंटर हैं वो है बेटा आपका चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, शाम्बा, श्रीनगर, JNK, लेह, अमृतसर, जलंधपुर एंड पटियाला, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा आपके एग्जाम सेंटर हैं। ठीक है, देन यहाँ पर साउथर्न रीजन, ऐसा रीजन के बारे में बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, तो इसके जो एग्जाम सेंटर हैं वो हैं बेटा आपका चिराला, गोंटूर, ककिरनाडा, कोर्नू, नेल्लौर, राजामुंड्री, तिरुपति, विजयनगर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, पुदुचेरी, चेन्नई, कोयम्बटोर, मदुरई, सेलेम, तिरुचिरपल्ली, तिरुनवेली, वेल्लोर,
हैदराबाद, करीमनगर एंड वारंगल, ये क्या है बेटा, आपके एग्जाम सेंटर हैं, ठीक है। वेस्टर्न रीजन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इनके जो आपके बेटा सेंटर है वो है पणजी, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, मेहसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, अमरावती, औरंगाबाद, जलगान, कोल्हापुर, मुंबई, नासिक, नांदेड, नागपुर एंड पुणे, यहाँ पर आपके क्या है बेटा ये एग्जाम सेंटर है। क्लियर है? तो बेटा ये हुए आप लोगों के सारे एग्जाम सेंटर, कौन सा एग्जाम आपका बेटा कौन से स्टेट में कब एग्जाम हो रहा है, तो ये हमने क्या किया है आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज बताई इस सेशन में। और आपके जो एग्जाम डेट है वो 10 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आज हो चुकी है 3 जनवरी, तो आपके पास मात्र, आप ये मान के चलिए आपके पास 6 दिन है और 10वें दिन आपका पेपर होगा। चलिए गाइस अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।